ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सपा के नगर अध्यक्ष बनाए गए मुस्ते हसन का हाजीगंज में लोगों ने फूलमालाओं से किया स्वागत। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष बनाए गए मुस्ते हसन का सोमवार की देर रात शहर के मोहल्ला हाजीगंज में स्थानीय लोगों ने मुस्ते हसन का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मोहल्ले के सभासद मोहसिन अंसारी समेत कई मोहल्लेवासी मौजूद रहे। इस दौरान नगर अध्यक्ष मुस्ते हसन ने कहा कि वह लोगों द्वारा मिले सम्मान से अभिभूत हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट देकर उत्तर प्रदेश की सत्ता मिलाएं। कितने लोग मौजूद रहे हैं आइए सुनाते हैं आप। वसीम नसी, नासिर सिद्दीकी, मोहम्मद फयाज सालिम आदि लोग मौजूद रहे। कन्नौज से जिला ब्यूरो चीफ सीबू सैनी की रिपोर्ट। किस तरह का यहाँ सम्मान समारोह आपका किया गया यहाँ पर? मैं मुस्ते हसन, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से, जो अभी नियुक्त किया गया हूँ समाजवादी पार्टी द्वारा, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने नगर क्षेत्र में जितने भी वीर कुरवारी, सेक्टर कुरवारी और जो तुम्हारे कार्यकर्ता हैं और जो वोटर हैं उनसे संपर्क रखा जाए। चुनाव सर पर हैं, ये हमारी पार्टी का दिशा निर्देश है। आपको जिस तरह जिम्मेदारी सौंपी गई, किस तरह निर्वहन करेंगे आप इसको? हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर घर के ऊपर पहुंच सकें और समाजवादी पार्टी को नीतियों को हर घर पहुंचा सकें। जिस प्रकार हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने हर घर को 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया है, और जो भाजपा ने जो हिंदू मुस्लिम करके बीच में फूट डाल के जो चुनाव जिस तरीके से लड़ रही है, आपस में बांट रही है, उस चीज़ को ख़त्म करके एक इस तरीके का माहौल बनाया जाए कि हिंदू मुस्लिम साथ चले और समाजवादी की सरकार बने। भाजपा के लोग कहते हैं सपा की सरकार में ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी। गुंडागर्दी तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जितने केस हैं, जितने उप मुख्यमंत्री के ऊपर जितने केस हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर एक भी केस नहीं है। इससे साबित होता है कि दंगाकारी अपराधी पार्टी कौन सी है।